मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे आयुष डॉक्टर्स को हटाए जाने पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत दी है। अदालत ने आगामी सुनवाई तक उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए और शासन से 6 हफ्तों में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता द्वारा आयुष डॉक्टर्स को लेकर उच्च न्यायालय में एक याचिका लगाई गई थी। याचिका पर उच्च न्यायालय ने आयुष डॉक्टरों को अंतरिम राहत देते हुए दोबारा नौकरी पर रखने के शासन को निर्देश दिए हैं। दरअसल कोरोना के दौरान 15 मई 2020 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयुष डॉक्टर्स को नौकरी पर रखते हुए एक एग्रीमेंट भी साइन करवाया गया था। 2020 में आयुष डॉक्टर्स नौकरी पर आए और 31 मार्च 2022 को आयुष डॉक्टर्स की सेवाएं समाप्त कर दी गई। अचानक हुई सेवा समाप्ति के बाद डॉक्टर्स द्वारा न्यायालय का सहारा लिया गया। हाँ, मैं डॉक्टर सागर प्रसाद दुबे हूँ और मेरे साथ में डॉक्टर संदीप पाटिल हैं, डॉक्टर अमर किराड़े, डॉक्टर कोमिता राठौड़, डॉक्टर रवि पवार, डॉक्टर रोहित भवर। हम छः लोगों ने हमारी नियुक्ति हुई थी अप्रैल 2020 में, जब कोविड की पहली लहर आई थी भारत में। तब से हमको अस्थाई तौर पर 90 दिवस के लिए कोविड महामारी को टैकल करने के लिए रखा गया था। उसमें हमने सैंपलिंग से लगा के, ट्रीटमेंट से लगा के, क्वारंटाइनिंग, MMU, RRT, कोविड सेंटर, हर जगह हमने हमारी सेवाएँ दी थी। तब से हमने लगातार अभी मार्च 2022 तक के हमने लगातार काम किया, मरीजों की हमने सेवा करी और हर मामले में हम लोग फ्रंट लाइन पर रहे। कोविड योद्धाओं की तरह हमने हमारा योगदान देकर के मरीजों की हमने जान बचाई। पर 28 मार्च को अचानक से शासन से एक आदेश आया NHM डायरेक्टर की तरफ से कि आपको सेवा से मुक्त किया जाता है। तो हम लोग हतप्रभ रह गए कि ऐसा कैसे हो गया। तो उसके बाद हम 6 डॉक्टर्स ने मिलकर इंदौर हाईकोर्ट की जो डिविजनल बेंच है जबलपुर हाईकोर्ट की, इंदौर हाईकोर्ट में, वहाँ पर हमने याचिका दायर करी हमारे वकील साहब थे सुभाष उपाध्याय जी, उनके द्वारा। और उसका निर्णय 21 अप्रैल को आया है, जिसमें विदित किया गया है कि हमारी सेवाएं वापस ली जाए और जिम्मेदार जो लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव महोदय हैं, उनको माननीय NHM डायरेक्टर महोदया और कलेक्टर साहब और CMHO मैडम जो है उनसे उनको नोटिस देकर 6 हफ्ते में उनने जवाब मांगा है। खेतिया से जयेश पटेल की रिपोर्ट।